आज जो कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के या बहुत सारी पार्टियों के लोग अपनी पार्टियों को छोड़ के बसपा की तरफ जा रहे हैं, तो उसका क्या कारण है कि वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो भी पार्टियां छोड़ छोड़ के बसपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या नजरिया आपका? जी देखिए, जो राजनीतिक लोग होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो राजनीतिक पार्टी की जो विचारधारा से सहमत होते हैं, विचारधारा के लोग होते हैं जिनको कैडर बेस बोलते हैं जी। तो कैडर के लोग तो चाहे कमजोरी स्थिति हो चाहे मजबूत स्थिति हो, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो अपने उसके साथ में रहते हैं जी। दूसरे मतलब मार्केट के लोग होते हैं जी। मार्केट लीडर होते हैं, वो सारी पार्टियों में यात्रा करते हैं, जो पार्टी जिताऊ होती है उसके तरफ वो चले जाते हैं, मौसम देख करके अपना पाला बदल देते हैं जी। तो इस समय उनको पता लग रहा है कि जब तक मतलब इनका समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का समझौता नहीं हुआ था, तब तक उन्हें जीतने के आसार इस पार्टी में कम नजर आ रहे थे। लेकिन अब उन्होंने जब अध्ययन किया कि जब 2017 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो वोट परसेंट था दोनों पार्टियों का मिला करके सपा और बसपा का 44% था, और बीजेपी जो सभी बड़ी पार्टी थी और उसने कई छोटी छोटे पार्टियों से गठबंधन भी किया था, उसके बावजूद उनका जो 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 वोट था वो उनका 37% था। तो 37% जो वोट है और 44% वोट को कभी भी मात नहीं दे सकता। तो निश्चित रूप से यह है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें 80 सीटें होती हैं, अगर ये वोट पूरा मिल गया सही ढंग से तो उसमें लोकदल का भी वोट अभी शामिल हुआ है, और छोटी छोटी कई पार्टियां बीजेपी छोड़कर के और बसपा में शामिल होने वाली हैं इस गठबंधन में, और दोनों कंधे से कंधा मिला करके अभी CBI का जब छापा पड़ा आपने देखा होगा अखिलेश जी के ऊपर, मतलब ये वो किया है, इंडिकेशन किया, उनको टारगेट बनाया है बी चंद्रकला के जो IAS ऑफिसर है उसके सहारे से, तो ये इनका इनको कमजोर करने के लिए इनको टारगेट किया गया है। तो दोनों ने सम्मिलित अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो इनकी इन्होंने तो तोड़ने की कोशिश करी है इस गठबंधन को, लेकिन उन्होंने जो और मजबूती दिखाने की कोशिश करी है, तो इसलिए जो जो चुनावी राजनीति में आने वाले लोग हैं वो तेजी से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों की तरफ उससे टिकट लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर उनको उससे टिकट मिल जाती है तो ये इलेक्शन तो जब भी हो, लेकिन जिस दिन टिकट मिल जाती है तो ये मान के चलते हैं कि वो MP निश्चित रूप से बन जाएंगे, 99% उनके लिए सियोरिटी लग रही है। इसलिए उसमें आज सारे दलों के लोग जो है टूट टूट करके BSP के तरफ और गठबंधन की तरफ आ रहे हैं।